आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 के इस लेक्चर सीरीज में आज हम आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन के बीच क्या बेसिक डिफरेंसेस हैं उन्हें समझने की कोशिश करेंगे प्रॉपर नोट्स के साथ। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हो तो एक क्वेश्चन आप पक्का कर सकते हो एडीआर के पेपर में। अपने अब तक के डिस्कशन में हमने एडीआर के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को जाना, हमने ये जाना कि व्हाई देयर इज नीड ऑफ एडीआर इन टुडेज जुडिशियल सिस्टम, हमने वेरियस मोड्स ऑफ एडीआर को देखा, हमने जाना एडीआर में बेसिकली 5 मोड्स हैं, आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, मेडिएशन, नेगोशिएशन, लोक अदालत। आर्बिट्रेशन को हमने समझ लिया है, कंसिलिएशन को समझ लिया है, और अपने प्रीवियस वीडियो में हमने लोक अदालत के ऊपर डिटेल में डिस्कशन किया। आज के इस वीडियो में हम आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन के बीच क्या डिफरेंसेस हैं, क्योंकि अक्सर एडीआर के पेपर में आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन के बीच डिफरेंसेस को पूछ लेता है, तो उसी एस्पेक्ट से आज हम इन दोनों मोड्स ऑफ एडीआर के बीच क्या माइनर डिफरेंसेस हैं और किस तरह से ये दोनों आपस में अलग हैं समझेंगे। चलिए, एक तरफ आप लिखो आर्बिट्रेशन और दूसरी तरफ कंसिलिएशन। सबसे पहले हम इन्हें डिफाइन कर देंगे, राइट। आर्बिट्रेशन इज अ प्रोसेस ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट इन विच एन impartial third person is appointed by the parties to study the dispute and hear both the parties and give a decision which is binding on both the parties। तो arbitration में क्या होता है, जो दो parties हैं जिनके बीच डिस्प्यूट अराइज हुआ है, अब वो चाहते हैं कि वो अपने डिस्प्यूट को कोर्ट में नहीं ले जाएंगे, तो वो क्या कर सकते हैं, अपने चॉइसेस से एक इम्पार्शियल थर्ड पर्सन को अपॉइंट कर सकती हैं जो कि उनके डिस्प्यूट को सॉल्व करे, और वो जो भी डिसीजन देगा पार्टीज के ऊपर वो क्या है, बाइंडिंग होगा। आर्बिट्रेशन के तहत जिस पर्टिकुलर पर्सन को अपॉइंट किया जाता है वो आर्बिट्रेटर कहलाता है, और इन केस एक से ज्यादा आर्बिट्रेटर्स हैं तो उन पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर्स को हम कहेंगे आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। याद रखना, हमेशा आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का जो नंबर होगा वो ऑड होगा, विथ द ऑब्जेक्टिव ऑफ रीचिंग मेजॉरिटी वोट, राइट। तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का जो नंबर होगा वो हमेशा ऑड में रहेगा, 1, 3, 5, 7, ताकि जो मेजॉरिटी डिसीजन है वो आ सके, राइट। और आर्बिट्रेशन में जो प्रोसीडिंग फॉलो किया जाता है आर्बिट्रेटर के द्वारा वो कुछ हद तक जुडिशियल प्रोसीडिंग की तरह होती है, लेकिन ट्रायल से कम फॉर्मल होता है आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स, राइट। कंसिलिएशन, इट इज ऑल्सो a mechanism of ADR wherein an independent person helps the party
इन रीचिंग म्यूचुअली अग्रीड सैटिस्फैक्टरली सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। तो कंसिलिएशन में पार्टीज अपने डिस्प्यूट को एक थर्ड पर्सन के पास लेकर के जाती हैं जो कि इंडिपेंडेंट होता है। अब यहाँ पे जो कंसिलिएटर है हु इज गोइंग टू हेल्प द पार्टीज इन रीचिंग म्यूचुअली अग्रीड सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, इसका नंबर ऑड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है, क्योंकि कंसिलिएटर इज नॉट गोइंग टू गिव एनी डिसीजन, कोई डिसीजन नहीं देता है, पार्टीज को हेल्प करता है कि वो एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचे जो क्या हो, दोनों के लिए एक्सेप्टेबल हो। तो जो थर्ड पर्सन कंसिलिएशन के थ्रू पार्टीज को हेल्प करता है उनके डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कराने में, उसे हम कहते हैं कंसिलिएटर, और इसका नंबर ऑड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है, राइट। तो ये क्या है, पहला पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, हमने दोनों को डिफाइन कर दिया। अब अगर हम एनफोर्समेंट के बारे में बात करें तो आर्बिट्रेटर का जो डिसीजन होता है वो बाइंडिंग इन नेचर होता है, राइट। जबकि कंसिलिएटर के पास ये पावर नहीं होता है कि वो अपने डिसीजन को पार्टीज के ऊपर बाइंडिंग कर दे, क्योंकि ही इज नॉट गोइंग टू गिव एनी डिसीजन, कोई डिसीजन नहीं देता है, केवल पार्टीज को असिस्ट करता है कि वो आपस में एक दूसरे के सहमति से किसी एक पर्टिकुलर डिसीजन पर पहुंचे जो दोनों के लिए क्या हो, एक्सेप्टेबल हो। तो यानी कंसिलिएशन में कंसिलिएटर के रिकमेंडेशंस को फॉलो करना ना करना पार्टीज के ऊपर है। तीसरा, प्रायर अग्रीमेंट। तो पहला क्या है, मीनिंग, दूसरा क्या है, एनफोर्समेंट, तीसरा प्रायर अग्रीमेंट, दीज आर द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस। बेसिकली जब दो पार्टीज के बीच कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशंस होते हैं, लीगल रिलेशंस होते हैं, और वो चाहते हैं कि जब हमारे बीच कोई डिस्प्यूट अराइज हो इन फ्यूचर तो उसे हम आर्बिट्रेशन के थ्रू रिजॉल्व कराएं, तो इन केस अगर फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट अराइज होता है और पार्टीज एट प्रेजेंट इस बात से सहमत हैं, आपसी सहमत हैं, दे आर म्यूचुअली अग्रीड कि उन फ्यूचर डिस्प्यूट्स को आर्बिट्रेशन के माध्यम से रिजॉल्व कराया जाएगा, तो वो अपने अग्रीमेंट में, अपने कॉन्ट्रैक्ट में आर्बिट्रेशन क्लॉज को ऐड कर देंगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, प्रायर अग्रीमेंट होता है, और आर्बिट्रेशन का यूज कर सकते हैं वो अपने एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कराने में और साथ साथ फ्यूचर डिस्प्यूट्स को भी रिजॉल्व कराने में। लेकिन कंसिलिएशन के थ्रू केवल और केवल एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट्स को ही रिजॉल्व कराया जाता है, ठीक है। तो देयर इज प्रायर अग्रीमेंट टू रिजॉल्व द एग्जिस्टिंग एज वेल एज फ्यूचर डिस्प्यूट्स। इन कंसिलिएशन देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ प्रायर अग्रीमेंट, एंड कंसिलिएशन कैन बी यूज्ड टू रिजॉल्व एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट्स ओनली, ठीक है। फिर कह रहा है लीगल प्रोसीडिंग्स, आर्बिट्रेशन में आर्बिट्रेटर या आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जिन प्रोसीडिंग्स का इस्तेमाल करते हैं या जिन प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट करते हैं
टू सॉल्व द डिस्प्यूट वो बहुत हद तक लीगल प्रोसीडिंग्स होते हैं, जबकि कंसीलिएशन के जो प्रोसीडिंग्स होते हैं दीज प्रोसीडिंग्स आर नॉट एट ऑल लीगल प्रोसीडिंग्स, लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं होते। आर्बिट्रेशन ज्यादा फॉर्मल होता है इन कंपैरिजन टू कंसीलिएशन, और कंसीलिएशन इज लेस फॉर्मल देन आर्बिट्रेशन, बट आर्बिट्रेशन इज लेस फॉर्मल देन ट्रायल, इट इज लेस फॉर्मल देन ट्रायल बट मोर इन कंपैरिजन ऑफ कंसीलिएशन। और यहां आप लिख सकते हो इट इज लेस फॉर्मल देन आर्बिट्रेशन, एंड एंड ऑर्डिनरी पीपल मे ऑल्सो अंडरस्टैंड मे ऑल्सो इजिली अंडरस्टैंड इट्स प्रोसीडिंग्स क्योंकि अल्टीमेटली कंसीलिएशन में दोनों पार्टीज ही क्या करती हैं, अपने डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करती हैं। कंसीलिएटर केवल क्या करता है, मेंटोर करने का काम करता है, केवल उन्हें गाइड करने का काम करता है, उन्हें हेल्प करता है कि आप इस डिसीजन पर पहुंचोगे, अगर आप इस डिसीजन को मानते हो तो ये दोनों के लिए फेवरेबल है, दोनों के लिए बेनिफिट है इसमें, सुलह जिसे आप कहते हो। ठीक है, और impartial and independent person is known as arbitrator, and in case there is more than one arbitrator to known as arbitral tribunal, aise likh sakte ho. In case of more than one arbitrator, number of arbitrators मस्ट बी इन ऑड फॉर्म, ऐसा लिख सकते हो। जबकि कंसीलिएशन में जो पर्सन हेल्प करता है पार्टीज को उसे कंसीलिएटर कहते हैं, और इसका नंबर ऑड भी हो सकता है इवन भी हो सकता है। तो दीज आर 4 to 5 बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आज के इस वीडियो में हमने सिंपल वे में समझा कि आर्बिट्रेशन और कंसीलिएशन के बीच क्या डिफरेंसेस हैं। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, बिकॉज आई बिलीव together we learn, together we grow. Thank you, have a nice day.